Hello friends, welcome to Unlock Science. Myself Anas Khan and I am a physics expert. Today I welcome you back to lecture 5 of this Newton's laws of motion जो हमारे mechanics series का एक पहला chapter है हमारा ये। तो जैसे कि हमने पिछले chapters में जो पिछले lectures में chapters तो नहीं कहेंगे जो हमारे पिछले lecture थे उसमें हमने Newton's law का basic पढ़ा, inertia क्या होता है, momentum क्या होता है और main चीज हमने लास्ट लेक्चर में फ्री बॉडी डायग्राम के बारे में पढ़ा था। मैंने आपको उसमें कहा भी था कि हमने उसमें फ्रिक्शन को इंक्लूड नहीं किया था। फ्रिक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का, तो आज हम आपके लिए फ्रिक्शन के ऊपर लेके आए हैं लेक्चर हमारा। फ्रिक्शन पढ़ेंगे और इसमें हम पढ़ेंगे डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, जिसमें हम बैंकिंग ऑफ रोड के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। तो आइए टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आज का लेक्चर जो है उसका टॉपिक है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन तीन तरह का होता है, सॉलिड फ्रिक्शन, लिक्विड फ्रिक्शन एंड एयर फ्रिक्शन, या एयर ड्रैग भी कहते हैं। तो इस लेक्चर में हम सॉलिड फ्रिक्शन के बारे में बात करेंगे। जो लिक्विड फ्रिक्शन है जिसको हम विस्कोसिटी भी कहते हैं, वो हम जब हम फ्लूइड मैकेनिक्स में चलेंगे तब हम तब पढ़ेंगे। आपने थोड़ा बहुत विस्कोसिटी केमिस्ट्री में भी पढ़ के रखा होगा। एयर ड्रैग का बस एक टच बेस हमारे एनसीईआरटी में है, उससे ज्यादा उसमें कुछ नहीं दिया हुआ है। कल को जब आप हायर स्टडीज में आप फिजिक्स परस्यू करेंगे तो आपको एयर ड्रैग वगैरह पढ़ाया जाएगा। एयर ड्रैग का बहुत बड़ा यूज आपके ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में होता है कि हम गाड़ियां कैसे डिजाइन करें कि अगर मानो आप हाई स्पीड पे चल रहे हो बट आपकी गाड़ी जब हाई स्पीड पे होगी तो आपकी जो विंड होगा सामने से, विंड बहुत तेज आएगी तो गाड़ी पलट ना जाए, टर्न ना हो जाए, टॉपल ना हो जाए, तो कैसी डिजाइनिंग करें कि बॉडी स्मूथली चलती रहे। खासकर जो बच्चे हमारे नीट वाले बच्चे जुड़े हमारे साथ जो बायो पढ़ते हैं, आपने पढ़ा होगा फिशेस की बॉडी स्ट्रीमलाइंड होती है, उसका एक खास वजह होती है ताकि देखें सेल स्मूथली इनसाइड द वाटर। तो एयर फ्रिक्शन के बारे में थोड़ा बहुत आपके है कोर्स में, हम उसको पढ़ेंगे, बट जो मेजर पार्ट है फ्रिक्शन का आपके क्लास 11, 12, 13 तक, दैट इज सॉलिड फ्रिक्शन। तो पहली चीज, फ्रिक्शन एक तरह का कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। मींस जब तक बॉडीज कॉन्टैक्ट में नहीं आएंगी फ्रिक्शन एक्ट नहीं करेगा आपका। दूसरा पॉइंट, कॉन्टैक्ट फोर्स है और इसकी टेंडेंसी के पहले हम लिख लेते हैं कि ये एक तरह कॉन्टैक्ट फोर्स है एंड इट हैज अ टेंडेंसी टू रेजिस्ट। रेजिस्ट व्हाट? रिलेटिव मोशन बिटवीन टू बॉडीज इन कॉन्टैक्ट। तो आइए इस बात को हम एक फिगर समझते हैं। तो मान लीजिए ग्राउंड है, यहां पे ग्राउंड पे एक ब्लॉक रखा है मास m का और हम यहां पे एक फोर्स लगा रहे हैं f मैग्नीट्यूड का। और कौन कौन सी फोर्स एक्ट कर रही हैं? इसका जो वेट होगा, वेट इसका mg नीचे एक्ट कर रहा होगा और ग्राउंड से कांटेक्ट में है तो एक नॉर्मल रिएक्शन इसका वर्टिकली अपवर्ड एक्ट कर रहा होगा। ठीक है, नाउ दिस अप्लाइड फोर्स जो मैं खींच रहा हूं इसकी टेंडेंसी क्या है? इसकी टेंडेंसी इस ब्लॉक को राइट ले जाने की है। मतलब कैसे? मानो मेरे दो हथेलियां हैं ये, ठीक है। अब इस अपर हैंड पे एक फोर्स उधर लग रहा है तो ये हैंड क्या है? ये हैंड आगे जाना चाह रहा है, आगे जाना चाह रहा है और ये इस ग्राउंड से कांटेक्ट में है तो इस ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये हाथ आगे जाना चाह रहा है आगे, क्योंकि उसको कोई उधर खींच रहा है तो ये हाथ मेरा आगे जाना चाह रहा है इस हैंड के या इस ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। फ्रिक्शन कैसा है? फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स है जो बॉडी के मोशन को अपोज करेगा। तो इस हैंड की टेंडेंसी क्या है? आगे जाने की है तो फ्रिक्शन क्या करेगा? फ्रिक्शन इसके मोशन को अपोज करेगा। तो फ्रिक्शन कहां एक्ट करेगा आपका? फ्रिक्शन विल एक्ट ऑपोजिट टू द अप्लाइड फोर्स। तो आपका फ्रिक्शन कुछ
थोड़ा इसको बोल्ड कर दूंगा आपके लिए, आपका फ्रिक्शन कुछ ये ऐड करेगा आपका, ये आपका फ्रिक्शन फोर्स होगा आपका ये, क्योंकि फ्रिक्शन क्या है, फ्रिक्शन एक तरह का ऑपोजिंग फोर्स है, टेंडेंसी टू रेजिस्ट, टेंडेंसी टू अपोज, किसको अपोज, टू द अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स, इस फोर्स की टेंडेंसी इस ब्लॉक को राइट खींचने की है, लेकिन ये ब्लॉक ग्राउंड से यहां पे कांटेक्ट में है, ध्यान दीजिएगा कैसा फोर्स है, कांटेक्ट फोर्स है, तो फ्रिक्शन फोर्स कहां पे एक्ट करेगा, जहां पे ब्लॉक ग्राउंड से कांटेक्ट में होगा, कहां पे कांटेक्ट में है, यहां पे कांटेक्ट पे है, अब किधर एक्ट करेगा, फ्रिक्शन अप्लाइड फोर्स को अपोज करेगा, अप्लाइड फोर्स क्या है, राइट में एक्ट कर रहा है, तो फ्रिक्शन कहां एक्ट करेगा, लेफ्ट में एक्ट करेगा, कहां से एक्ट करेगा, जहां पे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होगा आपका, तो ये आपका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हो गया, इसको अपोज करना है, तो फ्रिक्शन विल एक्ट इन द लेफ्ट हैंड डायरेक्शन, और मान लीजिए अगर यहां पे ये एक्सेलरेट कर रहा है, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, एफ माइनस एफ इज इक्वल टू एम ए, क्योंकि अलोंग द हॉरिजॉन्टल आपका अगर ब्लॉक इधर एक्सेलरेट कर रहा है राइट में, That means applied force ज्यादा है, friction force कम है, तो net force क्या बन जाएगा, F minus friction force is equal to ma, बाकी n is equal to mg है, क्योंकि along the vertical कोई भी motion आपका नहीं हो रहा है आपका, तो ये तो basic knowledge हो गया आपकी friction के बारे में हो गई है। अब इसमें friction दो तरह का होता है आपका, friction कौन कौन सा होता है, friction के दो types हैं, दो टाइप ये हैं, एक आपका होता है स्टैटिक फ्रिक्शन और दूसरा आपका होता है काइनेटिक फ्रिक्शन। अब स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, इसकी हम बात करते हैं, तो सपोज यहां पे एक ब्लॉक है मास m का, हमने इस पे एक फोर्स लगाया F करके, तो ऑब्वियस सी बात है फ्रिक्शन कहां एक्ट करेगा, फ्रिक्शन आपका पीछे एक्ट करेगा आपका, सपोज पहले इंस्टेंट में ये फोर्स 1 न्यूटन है, लेकिन मैंने देखा कि 1 न्यूटन अप्लाई करने पे ब्लॉक मूव नहीं किया, मतलब इस 1 न्यूटन को किसी ने बैलेंस किया, और पीछे कौन सी फोर्स एक्ट कर रही है, फ्रिक्शन एक्ट कर रही है, मतलब ये फोर्स कितना बन गया, ये बन गया 1 न्यूटन, तो बैलेंस हो गया, तो आपका एक्सीलरेशन जीरो आ गया। नाउ सपोज एट द नेक्स्ट इंस्टेंट मैंने इसको बढ़ा के कर दिया 2 न्यूटन, ब्लॉक तब भी मूव नहीं किया, मतलब फ्रिक्शन ने अपने आप को एडजस्ट करके अपनी वैल्यू को कितना कर लिया है, 2 कर लिया है, मैंने फोर्स फिर बढ़ाया 3 किया, ब्लॉक फिर नहीं मूव किया, फ्रिक्शन ने अपने आप को फिर से एडजस्ट करके 3 कर लिया है। तो जब आप कोई बॉक्स पुश करते हो, तो आप पहले फोर्स हल्का लगाते हो, बॉक्स नहीं मूव करता है, और बढ़ाते हो, बॉक्स नहीं मूव करता है, एक सर्टेन फोर्स की लिमिट को एक्सीड करने के बाद आपका ब्लॉक मूव करना शुरू करता है, तो नाम दिया है स्टैटिक फ्रिक्शन, क्यों, क्योंकि मेरा अप्लाइड फोर्स है, बट अप्लाइड फोर्स होने के बावजूद आपका ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है, क्योंकि जो पीछे फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है वो हर वक्त अपने आप को एडजस्ट करता जा रहा है अप्लाइड फोर्स के बराबर। सो स्टैटिक फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टेबल फोर्स, लेकिन हर चीज की अपनी एक लिमिट होती है, तो एक पॉइंट के बाद ये स्टैटिक फ्रिक्शन अपने आप को अप्लाइड फोर्स के बराबर नहीं कर पाएगा और आपका ब्लॉक आगे मूव करना शुरू कर देगा। अब जब ब्लॉक आगे मूव करना शुरू कर देगा, फ्रिक्शन तब भी एक्ट करेगा, बट उस केस में फ्रिक्शन क्या बन जाएगा, आपका काइनेटिक फ्रिक्शन बन जाएगा। तो जब तक स्टैटिक फ्रिक्शन है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन हम लिखते हैं Fs से, लिखते हैं Fs, काइनेटिक होता है Fk। तो अगर स्टैटिक फ्रिक्शन है, मतलब ब्लॉक आपका रेस्ट पे है, दैट मींस जो भी आपका अप्लाइड फोर्स है वो स्टैटिक फ्रिक्शन के बराबर चल रहा है। लेकिन अगर काइनेटिक फ्रिक्शन है, मतलब ब्लॉक आपका एक्सेलरेट कर रहा है, सो अप्लाइड फोर्स ऑलवेज मोर देन योर काइनेटिक फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन
और काइनेटिक फ्रिक्शन दोनों फ्रिक्शन के ही नेचर हैं, बट स्टैटिक फ्रिक्शन एक सेल्फ एडजस्टेबल फोर्स होता है। तो आप ब्लॉक पे फोर्स अप्लाई कर रहे हो और आपका ब्लॉक एक सर्टेन फोर्स के लिमिट के बाद ही मूव करता है। तो जब पुश कर रहे हो तो फ्रिक्शन भी पीछे से एक्ट कर रहा है, तो उसकी टेंडेंसी क्या है ब्लॉक को मूव करने से रोकने की। ये फ्रिक्शन काम क्या है, इट ऑपोजेस अप्लाइड फोर्स का काम क्या है ब्लॉक को आगे खींचना। देखो यहां पे इसका काम क्या है, इसको आगे खींचना, पर फ्रिक्शन क्या है इसको अपोज करेगा, तो फ्रिक्शन पीछे एक्ट करेगा। तो स्टैटिक फ्रिक्शन पूरी कोशिश करता है कि मैं ब्लॉक को रोक लूं, आगे मूव करने ना दूं, बट उसकी भी अपनी लिमिट है, उसको क्रॉस करने का आपका ब्लॉक मूव करना शुरू कर देगा, तब उस केस में आपका फ्रिक्शन स्टैटिक से काइनेटिक बन जाएगा आपका। तो ऐसे ही आपके ग्राफ बनता है, इसके अंदर एक रिलेशन है बिटवीन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड अप्लाइड फोर्स। तो ग्राफ कुछ इस तरह बनता है आपका। तो ये जो वैल्यू है ये आपके ये पॉइंट जो है, दिस इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ये जो वैल्यू है, और ये जो आपकी वैल्यू है ये आपकी काइनेटिक फ्रिक्शन होती है। फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है म्यू इंटू एन होता है। व्हाट इज म्यू, म्यू इज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ये आपके सरफेस पे डिपेंड करता है, सरफेस आपका कैसा है आपका। एन यहां पे आपका नॉर्मल रिएक्शन है। सो व्हाट इज एफएस मैक्स, एफएस मैक्स इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, जिसको हम एक आसान सी भाषा में लिमिटिंग फ्रिक्शन भी कहते हैं। और इसकी वैल्यू क्या होगी, एफ एस विल बी इक्वल टू म्यू एस इंटू एन। व्हाट इज म्यू एस, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, और एफ के क्या बन जाएगा, इट विल बी म्यू के इंटू एन बन जाएगा आपका। और एफ के आपका लगभग रफली कांस्टेंट होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग है, देखो हर वक्त अपने आप को एडजस्ट कर रहा है, इसलिए आपका ग्राफ यहां पे बनता है लीनियर बनता है। फोर्स बढ़ाते जाओगे फ्रिक्शन आपका बढ़ता जाएगा आपका, बट एक लिमिट तक, जो इसकी मैक्सिमम लिमिट है वो एफ एस मैक्स होती है। सो वी कैन से दैट स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू जीरो से लेके म्यू एस एन के बीच में वैरी करेगी, क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन तो फिक्स वैल्यू है बट स्टैटिक फ्रिक्शन की फिक्स वैल्यू नहीं है, वो एक लिमिट के बीच में या एक रेंज के बीच में वो वैल्यू वैरी करेगी, वो जीरो से लेके म्यू एस एन के तक लाई करेगा आपका ये। तो ये रिलेशन आपका यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है ये। तो ये तो बात हो गई फ्रिक्शन की, अब इसको हम फ्री बॉडी डायग्राम में कैसे मतलब इनकॉर्पोरेट करेंगे। तो एक सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं, यहां पे हम सिंपल सा एकदम एग्जांपल लिया, सपोज ये मेरा स्लोप है, ये यहां पे एक ब्लॉक है और इसको मैं ऊपर खींच रहा हूं कुछ एफ फोर्स से, और ये ब्लॉक आपका ऊपर एक्सीलरेट कर रहा है और इस सरफेस में फ्रिक्शन है आपका, यहां पे फ्रिक्शन प्रेजेंट है आपका। तो हम ड्रॉ करते हैं फोर्सेस, तो क्या होगा, जो वेट होगा, वेट mg आपका नीचे एक्ट करेगा, इसको यहां सेट कर देते हैं, इसको यहां ड्रॉ करते हैं, आपका ये ऊपर ऊपर a अमाउंट से ये एक्सेलरेट कर रहा है आपका ये। और कौन कौन सी फोर्स है यहां पे आपकी, यहां से पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है तो आपका नॉर्मल रिएक्शन ये एक्ट करेगा। और अभी हमने पीछे पढ़ा नेक्स्ट लेक्चर पिछले लेक्चर में कि ये जो होता है ये mg cos थीटा होता है और ये फोर्स आपका mg sin थीटा होता है। लेकिन अब यहां पे फ्रिक्शन भी है, ये फोर्स इसको ऊपर ले जाना चाह रहा है और ये ऊपर एक्सेलरेट कर रहा है, तो फ्रिक्शन इस फोर्स को अपोज करेगा, तो फ्रिक्शन आपका कुछ ये एक्ट करेगा। फ्रिक्शन आप यहां ड्रॉ नहीं करोगे, फ्रिक्शन आप यहां ड्रॉ करोगे क्योंकि ये आपका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। सो दिस बिकम्स योर फ्रिक्शनल फोर्स।
तो यहाँ पे हम एक्सिस को अटैच करते हैं, सो लेट दिस बी एक्स एक्सिस एंड दिस बी वाई एक्सिस। सो अलोंग वाई एक्सिस आपका जो एक्सेलरेशन है वो जीरो है, देयरफॉर एन का वैल्यू क्या बन जाएगा, एम जी कॉस थीटा बन जाएगा आपका एन का वैल्यू। देन अलोंग एक्स एक्सिस एक्सेलरेशन ऊपर हो रहा है, तो आपका ये फोर्स पॉजिटिव हो जाएगा आपका ये एफ प्लस ऑफ, नीचे क्या है एम जी साइन थीटा, सॉरी ये माइनस हो गया यहां पे, एम जी साइन थीटा प्लस एफ इज इक्वल टू एम ए। अब फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला क्या था हमारा, इट वॉज इक्वल टू म्यू इंटू एम इज इक्वल टू एम ए, एफ माइनस एम जी साइन थीटा और एन का वैल्यू क्या है एम जी कॉस थीटा है इज इक्वल टू एम ए। तो ये आपका एक रिलेशन बन गया, बाकी आपको जैसे आपको फॉर्मूले दिए होंगे उसको पुट करके आप वैल्यूज फाइंड कर लीजिएगा। तो ये तरीका था हाउ टू यूज फ्रिक्शन इन अवर फ्री बॉडी डायग्राम्स। अब इसमें एक लॉजिक है, एक लॉजिक एक टॉपिक है, एक एंगल ऑफ रिपोज करके है आपका ये। तो एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है कि मान लीजिए इंक्लाइंड प्लेन है, ये एंगल थीटा है, यहां पे एक ब्लॉक रखा हुआ है आपका, तो हमने क्या किया हम यहां पे इस सेल आपका इंक्लाइंड प्लेन पहले ऐसे रखा हुआ है और हम इसको बढ़ाना शुरू कर रहे हैं, तो अभी एंगल इतना है, एंगल इतना हो गया, फिर आप एंगल बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ाते बढ़ते क्या है आपका ब्लॉक जस्ट नीचे स्लाइड करने वाला है, तो फोर्सेस क्या क्या होंगी, एम जी होगा, एम जी कॉस थीटा होगा, नॉर्मल रिएक्शन आपका ऊपर लगेगा, और नीचे गिरने वाला है तो आपका एम जी साइन थीटा नीचे होगा, और नीचे गिरने वाला है तो फ्रिक्शन फोर्स आपका ऊपर एक्ट करेगा, आपका जस्ट गिरने वाला है तो स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू ऐड करेगी आपकी, तो एन का वैल्यू कितना हो जाएगा एम जी कॉस थीटा हो जाएगा, और क्या ले सकते हो जस्ट गिरने वाला है एम जी साइन थीटा क्या होगा विल बी इक्वल टू एफ एस मैक्स, और एफ एक्स मैक्स वैल्यू क्या होगी म्यू एस इंटू एन हो जाएगी, so mg sin theta will be equal to mu s into mg cos theta, तो mg mg cancel हो गया, sin theta क्या बन गया mu s cos theta, तो mu s क्या बन जाएगा tan theta, तो ये sin theta by cos theta हो जाएगा, that will be equal to tan theta, sorry, तो यहां से अगर मैं theta निकालूं तो थीटा की क्या बन जाएगी टैन इनवर्स म्यू एस, दैट विल बी योर एंगल ऑफ रिपोज, थीटा इज एंगल ऑफ रिपोज। ये इस इंक्लाइंड प्लेन की एंगल की मैक्सिमम वैल्यू है कि अगर मैं इसको हल्का सा और बढ़ा दूं तो आपका ब्लॉक नीचे गिर जाएगा, तो ये एंगल की या इंक्लाइंड प्लेन के एंगल की वो मैक्सिमम वैल्यू है जिसके लिए आपका ब्लॉक जस्ट रुका हुआ है, एंगल हल्का सा बढ़ाओगे आपका ब्लॉक फौरन नीचे आपका आगे फौरन नीचे आपके करके गिर जाएगा आपका वो। तो आइए अब आगे बात करते हैं, फ्रिक्शन हमारा खत्म हो गया है, सो द नेक्स्ट टॉपिक व्हिच वी विल बी टेकिंग अप इज बैंकिंग ऑफ रोड्स। या बैंकिंग से पहले हम बात करते हैं, लेट अस टॉक अबाउट जो इसका मतलब बैंकिंग का सब टॉपिक है, वी विल टॉक अबाउट डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। तो इसमें हम दो केस आपके डिस्कस करेंगे, तो जो पहला टॉपिक है दैट इज मोशन ऑफ अ कार और व्हीकल, मोशन ऑफ अ कार अलोंग अ हॉरिजॉन्टल ट्रैक। तो सपोज हमने यहाँ पे एक ट्रैक लिया है, एक ट्रैक का हमने एक सेगमेंट लिया है, सपोज आपका ट्रैक ये सर्कुलर है आपका, और इसी में आपकी कोई एक व्हीकल है, ये एक व्हीकल आपकी मूव कर रही है,
इसकी स्पीड कुछ वी करके है, एंड लेट द रेडियस ऑफ द स्ट्राइक बी इक्वल टू आर। हमको ये अच्छे से पता है कि जब भी कोई बॉडी एक सर्कुलर मोशन में मूव करती है तो उसको मूव करने के लिए एक अंदर की तरफ एक सेंट्रीपेटल फोर्स चाहिए होता है आपको यहाँ पे। अब इसमें हम बात करते हैं कि इसमें फोर्सेस कौन कौन सी लग रही होंगी इस कार के ऊपर। पहली फोर्स क्या होंगी, इस कार का अपना वेट होगा W इज इक्वल टू एम जी। तो अगर मैं कार को यहां पे ड्रॉ करूं तो इस कार का अपना वेट नीचे एक्ट कर रहा होगा। सिंस ये ग्राउंड से कॉन्टेक्ट में है तो जो नॉर्मल फोर्स होगा वो आपका ऊपर एक्ट कर रहा होगा आपका। सो द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इट इज एक्टिंग जस्ट ऑपोजिट टू द वेट, देयरफॉर वी कैन राइट अलोंग द वर्टिकल एन इज इक्वल टू आप एम जी लिख सकते हो आप, बिकॉज अलोंग द वर्टिकल इस कार का कोई भी मोशन नहीं हो रहा है आपका। अब हमने क्या बोला कि यहां पे इस पे एक सेंट्रीपिटल फोर्स टूवर्ड द सेंटर लग रहा है, तो ये फोर्स यहाँ पे कौन सा फोर्स होगा? आप देखिए जब भी आपकी व्हीकल यहाँ पे टर्न ले रही होगी तो जो उसके पहिए होंगे वो बाहर पॉइंट कर रहे होंगे, दैट मीन्स जो फ्रिक्शन होगा आपका वो अंदर एक्ट करेगा। जब भी आप गाड़ी मोड़ते हो तो गाड़ी की टेंडेंसी क्या होती है, सर्कल से दूर जाने की होती है, तो क्या होगा उसको बनाए रखने के लिए जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो टूवर्ड्स द सेंटर एक्ट करेगा। तो जो इसमें तीसरा फोर्स है, अच्छा गाड़ी की स्किडिंग नहीं हो रही है, टायर की स्लिपिंग नहीं हो रही है, तो फ्रिक्शन कौन सा होगा यहाँ पे, फ्रिक्शन का नेचर स्टैटिक होगा क्योंकि आपका टायर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में स्किड नहीं कर रहा है, तो हमने इसको एफ एस लिख दिया। नाउ दिस एफ एस इज बेसिकली योर सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है एम वी स्क्वायर बाय आर, आर यहाँ पे रेडियस है, एंड वॉट इज फ्रिक्शनल फोर्स इट इज म्यू एस इंटू एन होता है। नाउ सिंस वी नो दैट कि जो फ्रिक्शन की वैल्यू होती है वो ज्यादा या बराबर होती है म्यू एस एन की, और फ्रिक्शनल फोर्स किसके बराबर है, एम वी स्क्वायर के आर के बराबर है, सो वी कैन राइट एम वी स्क्वायर बाय आर इज लेस देन इक्वल टू म्यू एस एन। अच्छा एन किसके बराबर है, एम जी के बराबर है, हेंस वी कैन राइट दिस एज एम वी स्क्वायर बाय आर इज इक्वल टू म्यू एस एम जी। तो हम यहां से इस दोनों एम को कैंसिल कर सकते हैं, तो व्हाट विल गेट, वी स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू म्यू एस आर जी। तो जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी, मींस द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अ सेफ टर्न इज इक्वल टू म्यू एस आर जी आपकी। तो ये आपका एक जनरल रिलेशन है, इसी से हमने डिराइव किया है या इससे हमने निकाला है कि किसी भी व्हीकल को एक टर्न के अराउंड सेफली मोड़ने के लिए जो मैक्सिमम स्पीड होगी दैट विल बी म्यू एस आर जी। तो अगर व्हीकल की स्पीड इससे कम या इसके बराबर है तो गाड़ी आपकी इजीली इस टर्न के अराउंड घूम जाएगी, इससे ज्यादा होगी तो आपकी गाड़ी बाहर सेंटर से दूर स्किड कर जाएगी गाड़ी आपकी। सो दिस वॉज ऑल अबाउट मोशन ऑफ अ कार अलोंग अ हॉरिजॉन्टल ट्रैक। नाउ सपोज वी वॉन्ट टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ टर्न, तो क्या करेंगे हम लोग उस केस में, वी डू बैंकिंग ऑफ रोड्स। तो बैंकिंग ऑफ रोड्स में क्या होता है, जो आउटर एंड होता है, योर आउटर एंड इज एलिवेटेड एट अ हायर एंगल विथ रिस्पेक्ट टू द इनर एंड। मतलब मान लो अगर रोड आपकी है तो इसमें क्या होता है, अगर आप रोड को सामने देखोगे तो जो आपका इनर एंड होता है और जो आउटर एंड है वो कुछ एंगल पे आपका एलिवेटेड होता है आपका। तो ये जो आपका व्यू है ये आपका फ्रंट व्यू है, मतलब जो रोड होगी वो कुछ ऐसे जा रही होगी आपकी ये करके, तो ये जो एंड है ये आउटर एंड वो इनर एंड के मुकाबले कुछ एंगल आपका एलिवेटेड है,
और मान लो यहाँ पे इसके ऊपर कोई व्हीकल है, जो व्हीकल रखी है मास एम की है और वो एस ऐसे यहाँ पे मूव कर रही है आपकी। तो अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, मैं इसको यहाँ से हटाते हैं हम लोग, इसको यहाँ लगाते हैं हम लोग। सपोज ये है आपका, तो जो आपका जो मोशन है सर्कुलर मोशन कुछ इस तरह हो रहा है। सो दिस इज द सेंटर ऑफ द ट्रैक, ये आपका सेंटर ऑफ ट्रैक है आपका, ये फिर से बनाते हैं। सो दिस इज द सेंटर ऑफ द ट्रैक। अब बात करते हैं इस पे फोर्सेस, कौन कौन सी फोर्सेस लग रही होंगी आपकी। सबसे पहली चीज, वेट हमेशा आपका वर्टिकल डाउनवर्ड एक्ट करता है, नॉर्मल रिएक्शन सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर होती है। तो आपकी दो फोर्स हो गई, तो आपका जो नॉर्मल रिएक्शन होगा आपका वो कुछ इस तरह होगा, आपका नॉर्मल रिएक्शन ये, दिस विल बी योर नॉर्मल रिएक्शन। अच्छा, अब क्या है कि अगर हमारा स्पीड ऑफ टर्न ज्यादा हो गया तो इसकी टेंडेंसी क्या होगी, बाहर स्लिप करने की होगी। तो जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो कहाँ एक्ट करेगा, फ्रिक्शनल फोर्स आपका नीचे एक्ट करेगा, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से। स्किडिंग रोकनी है तो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स होगा वो FS करके होगा आपका, ये स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। नाउ लेट अस रिजॉल्व अवर फोर्सेस अलोंग दिस हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन, हमको इसके अलोंग इसको रिजॉल्व करना है। तो देखते हैं हम लोग, ये एंगल थीटा है, और याद करिए जब हम लोग पीछे पढ़ रहे थे आपका ये जो एंगल है ये भी एंगल थीटा होगा। ये हम लोग फ्रिक्शन में या जब हम फ्री बॉडी डायग्राम पढ़ रहे थे हम उसमें इसको हम इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर चुके हैं। सो बाय ऑल्टरनेट एंगल ये भी आपका, सॉरी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल ये भी आपका थीटा होगा। अब देखो ये पूरा 90 है, ये थीटा है, तो ये बचा हुआ एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा होगा। फिर ये 90 है, ये 90 माइनस थीटा है, तो ये एंगल आपका थीटा बन जाएगा आपका। सो दिस एंगल विल बिकम थीटा, ये एंगल आपका थीटा हो जाएगा। तो आपका एन इससे थीटा एंगल बना रहा है, तो अगर ये एन है तो ये कंपोनेंट एन कॉस थीटा होगा। उसको हम मार्क करें, उसको मार्क कर लेते हैं, ये जो कंपोनेंट है ये दिस इज एन कॉस थीटा, और ये कंपोनेंट क्या होगा, एन साइन थीटा। फिर फ्रिक्शन को देखो, फ्रिक्शन में क्या है, ये आपका एफ एस है और ये एंगल थीटा है, तो ये कंपोनेंट क्या बन जाएगा आपका, एफ एस कॉस थीटा, और ये कंपोनेंट क्या बन जाएगा, एफ एस साइन थीटा। तो हमने यहाँ पे अपने फ्रिक्शन को और नॉर्मल रिएक्शन को अलोंग द हॉरिजॉन्टल अलोंग द वर्टिकल रिजॉल्व कर दिया है। नाउ लेट अस एसोसिएट एक्सिस, इसको एक्स एक्सिस मान लो, इसको वाई एक्सिस मान लो। तो अलोंग द वाई एक्सिस आपका कोई भी मोशन नहीं हो रहा है, सो द नेट फोर्स अलोंग वाई एक्सिस इज जीरो, देयरफॉर वी कैन राइट एज एन कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी प्लस एफ एस साइन थीटा। तो यहां से एम जी को क्या लिख सकते हो, एन कॉस थीटा माइनस एफ एस साइन थीटा। अच्छा, एफ एस की वैल्यू क्या होती है, एफ एस होता है म्यू एस इंटू एन। तो ये आपका इक्वेशन नंबर 1 बन गया आपका, इसको लेबल कर लेते हैं हम लोग। फिर हम बात करते हैं अलोंग द एक्स एक्सिस। तो देखो जो आपका एक्स एक्सिस हमने यहाँ पे लेबल किया है दैट इज बेसिकली टूवर्ड्स द सेंटर, मतलब जितनी भी फोर्स अलोंग द एक्स एक्सिस हमने मार्क की है बेसिकली वो टूवर्ड्स द सेंटर पॉइंट कर रहे हैं,
मतलब यहाँ पे दो फोर्स अलोंग द सेंटर हैं, एक ये है एक ये है, ये दोनों टुवर्ड द सेंटर हैं, दैट मीन्स दीज टू फोर्सेस आर बेसिकली योर सेंट्रिपिटल फोर्स, मतलब एन साइन थीटा प्लस एफ एस कॉस थीटा विल बी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। तो ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो गया आपका, इसको आप लेबल कर लीजिए। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 हो गई आपकी, ये इसको हम फिर अगले पेज पे कॉपी करते हैं। सो व्हाट वी हैव गॉट, एम जी इज इक्वल टू एन कॉस थीटा माइनस म्यू एस एन साइन थीटा, और एम वी स्क्वायर बाय आर क्या आया है, एन साइन थीटा प्लस एफ एस। यहाँ पे देखो आपका एफ एस आ रहा है, इस एफ एस को हम म्यू एस इंटू एन लिख सकते हैं, तो ये बन जाएगा म्यू एस इंटू एन कॉस थीटा। अब एक काम करते हैं, हम इक्वेशन नंबर 4 को 3 से डिवाइड कर देते हैं। सो एम वी स्क्वायर बाय आर अपॉन एम जी इज इक्वल टू एन साइन थीटा प्लस म्यू एस एन कॉस थीटा अपॉन एन कॉस थीटा माइनस म्यू एस एन इंटू साइन थीटा। तो आप देखिए यहाँ पे एम एम का टर्म कॉमन है, तो एम एम कट गया और इन सब में एन कॉमन है, एन हटा दिया से हमने। इक्वेशन क्या बन जाएगी आपकी, वी स्क्वायर अपॉन आर जी इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस म्यू एस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा। अब एक काम करो, दोनों टर्म में से कॉस थीटा कॉमन ले लो, तो यहाँ क्या बचेगा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा प्लस म्यू एस अपॉन 1 माइनस म्यू एस साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो कॉस थीटा कैंसिल हो गया, देयर फोर वी स्क्वायर क्या बन जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन आर जी विल बिकम साइन थीटा बाय कॉस थीटा इज टैन थीटा, तो म्यू एस प्लस टैन थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू एस टैन थीटा। तो यहां से वी स्क्वायर के लिए क्या बन गई, आर जी म्यू एस प्लस टैन थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू एस टैन थीटा। तो यहां से आपका स्पीड ऑफ टर्न कितना आ जाएगा, वी की वैल्यू बन जाएगी अंडर रूट ऑफ आर जी म्यू एस प्लस टैन थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू एस टैन थीटा। तो ये आपकी स्पीड की वैल्यू आ गई आपकी है। हाईली इंपॉर्टेंट रिलेशन, अब इसमें हमारा एक स्पेशल केस बनता है कि इफ स्मूथ सरफेस इज टेकन, सो व्हाट हैपेंस, द वैल्यू ऑफ मी एस म्यू एस गोज टू 0। फॉर स्मूथ सरफेस द वैल्यू ऑफ म्यू एस इज 0। जब सरफेस आपका स्मूथ है तो आपका म्यू एस का वैल्यू 0 बन जाएगा। तो इसी फॉर्मूले में क्या बन जाएगा, द वैल्यू ऑफ वी विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर जी, ऊपर क्या है म्यू एस प्लस टैन थीटा, तो 0 प्लस टैन थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू एस टैन थीटा, तो 1 माइनस 0, तो ये क्या बन जाएगा अंडर रूट ऑफ आर जी टैन थीटा। तो अगर आपने सरफेस को स्मूथ माना है तो आपका स्पीड ऑफ टर्न जो होगा वो अंडर रूट आर जी टैन थीटा बन जाएगा आपका। एंड ऑल्सो अगर मैं स्क्वायर करूं तो वी स्क्वायर क्या बन जाएगा, आर जी टैन थीटा,
सो टैन थीटा विल बी इक्वल टू व्हाट, वी स्क्वायर बाय आर जी, तो थीटा बन जाएगा टैन इनवर्स वी स्क्वायर बाय आर जी। तो ये आपका एंगल ऑफ बैंकिंग आ गया है आपका। तो अगर आपका सरफेस स्मूथ है सो फ्रॉम दैट लॉजिक यू कैन कैलकुलेट द एंगल विथ विच द रोड इज बींग बैंक्ड, मतलब ये वो एंगल है जिसके लिए आपका आउटर एंड इनर एंड के रिस्पेक्ट में आपको एलिवेट एलिवेट किया गया है आपका ये। तो ये तो बात आपकी हो गई यहाँ पे बैंकिंग ऑफ रोड्स के बारे में हो गई। बेसिकली यहाँ पे हमने सर्कुलर मोशन के कॉन्सेप्ट को ही यूज किया है और दोनों केस में आपका, जैसे हमने पहले केस में क्या है, यहाँ पे आपका सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन है जो सेंट्रीपिटल फोर्स में रोल प्ले कर रहा है आपका यहाँ पे। बट सेकेंड केस में क्या है, सेकेंड केस में हमने नॉर्मल कॉम्पोनेंट और फ्रिक्शन दोनों के कॉम्पोनेंट को टुवर्ड द सेंटर अलाइन कर दिया है, जिससे आपका जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो आपका बढ़ गया है, तो उसकी वजह से जो आपका स्पीड ऑफ टर्न होगा वो आपका इंक्रीज कर गया है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज द यूज ऑफ डूइंग बैंकिंग, बैंकिंग हम इसलिए करते हैं ताकि हमारा जो स्पीड ऑफ टर्न है वो आपका इंक्रीज कर जाए आपका वो। तो ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है आपका ये, और इसका डेरिवेशन को ध्यान रखिएगा। जे में डेरिवेशन वगैरह तो खैर नहीं आते करने को, बट स्टिल डेरिवेशंस आपको आने चाहिए, क्योंकि अगर आपको ये नहीं पता हो कि हम उस रिजल्ट को हम किस किस कंडीशन के अंडर यूज कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, तो आपके लिए क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना आसान हो जाएगा। बिकॉज न्यूमेरिकल से भी ये नहीं कि आप फॉर्मूला याद करके आप फॉर्मूला पुट करके आंसर निकाल दिए। न्यूमेरिकल में हर न्यूमेरिकल की अपनी कंडीशन होती है, हर फॉर्मूले की अपनी कंडीशन होती है, वो कहीं पे एप्लीकेबल है कहीं पे एप्लीकेबल नहीं होते हैं, इसीलिए डेरिवेशंस को समझना बहुत ही जरूरी है। बाकी अगर आप स्कूल वगैरह के एग्जाम के लिए अटेम्प्ट करेंगे तो वहां पे आपको डेरिवेशंस को लिखनी होती हैं। तो जेई और नीट का मतलब ये नहीं कि हमको सिर्फ एबीसीडी टिक करके हमको नंबर लाने हैं, हमको अपने कॉन्सेप्ट को भी बिल्डअप करना है, क्योंकि वही आपको हमेशा आगे जाके काम आएंगे आपके लिए। तो फ्रेंड्स ये आपका लेक्चर था, इट वाज बेस्ड अपॉन फ्रिक्शन एंड बैंकिंग ऑफ रोड्स, एंड वेरी सून हम इस पे बेस्ड अब जितने क्वेश्चंस वाले वीडियो हैं हम वो लेके आएंगे, चाहे वो क्वेश्चंस आपके एससी वर्मा के हो, चाहे एनसीईआरटी के हो, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के हो, इवन अगर आपके प्रीवियस ईयर के भी हो हम उसको भी हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमने अभी सिर्फ थ्योरी को टच किया है। फिजिक्स में जब तक न्यूमेरिकल नहीं करेंगे तब तक वो मजा नहीं आता है। तो जल्दी हम इस चैप्टर के हमने जितनी थ्योरी कवर की है उस पर बेस हम न्यूमेरिकल आपके लिए लेके आएंगे, ताकि आपको पता चले कि अच्छा इस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे करते हैं, इसमें कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम क्वेश्चंस के थ्रू ही आपको समझा पाएंगे। आपको सिर्फ थ्योरी के थ्रू उसको समझाना मुश्किल क्या हुआ, एक बहुत ही ड्राई कॉन्सेप्ट होता है, तो हम उन चीजों को थ्रू न्यूमेरिकल समझाएंगे आपके लिए उसके अंदर, तो आपको क्वेश्चंस को समझने का तरीका समझ में आ जाएगा, कैसे करना है वो भी समझ में आ जाएगा, और कुछ टॉपिक्स हैं वो आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर जाएंगे आपको वो। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इनकेस आप हमको लाइक करें, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, ताकि उनको भी वो बेनिफिट मिल सके जो आपको बेनिफिट मिल रहा है आपको। बाकी अगर आप नए हमसे जुड़ रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। So friends, this was all today from Team Unlock Science, and I hope आपको ये सब समझ में आया होगा। In case you have any comments for us or any suggestions for us, please do leave your comments in the comment section below. And फिर वही बात है, stay tuned, stay focused, and I hope that to do very well in your upcoming competitive examination. Thank you very much.